एक गांव जहां ग्रामीण टेस्ला कार से लेते हैं लोरी का काम। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, सामान ढोने के काम आती है टेस्ला कार। आमतौर पर जिन कारों की खरीदने के बाद लोग सोशल मीडिया पर फ्लॉट करते हुए थकते नहीं हैं, ऐसी एडवांस कारों को चीन के यूनान प्रांत में मौजूद एक गांव में लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरत के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्थानीय लोगों के पास टेस्ला कार ना सिर्फ मौजूद है बल्कि इस महंगी गाड़ी को किफायती करार देते हैं। आइए बताते हैं कहां है ये गांव। चीन के यूनान में मौजूद इस गांव का नाम पंजीका है। लिमिटेड चार्जिंग स्टेशन के साथ 40 टेस्ला गाड़ियां मेंटेन कर रहा है यह गांव। चीन की मीडिया में पिछले कुछ हफ्तों से पंजीका गांव की चर्चा सिर्फ टेस्ला ब्लेज के तौर पर ही हो रही है। ऐसे में सवाल ये है कि गांव तक ये एडवांस कार पहुंची कैसे। दरअसल इसी गांव के रहने वाले काई रन ने इस कार को गांव में पहुंचाया। वे 12 साल की उम्र में से यहां से बाहर चले गए थे, लेकिन हमेशा वे अपने गांव से जुड़े रहे। उन्होंने साल 2016 में एक्सप्रेस वे के निर्माण के बाद टेस्ला कार की झलक गांव वालों को दिखाई। लोगों से बात करके और उन्हें तरह तरह के फंक्शन दिखाकर वे लोगों को इस कार के लिए प्रोत्साहित करते रहे। आखिरकार लोगों को ये कार पसंद आई और उन्होंने इसमें रुचि दिखाई। जब कार रन का आइडिया लोगों को समझ में आया तो उन्होंने कार खरीदनी शुरू की। खुद एलन मस्क के साइन वाला सुपर चार्जर यहां लगाया गया। फिलहाल गांव में कुल 40 टेस्ला कारें हैं जिन्हें ग्रामीण अपनी सुविधा के अनुसार इस्तेमाल करते हैं। वे गाड़ी के बूट्स को मोबाइल वेडिंग कॉर्ड्स की तरह इस्तेमाल करते हैं और गाड़ी के फीचर्स से लोगों को आकर्षित करते हैं। इतना ही नहीं, खेती किसानी के काम भी वे इससे निपटाते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कार से उनका खर्च कम हुआ है। जहां 100 युआन का फ्यूल लगता था, वहीं सिर्फ 30 युआन लगता है। ऐसे में कार की कीमत 3 से 4 साल में ही वसूल हो जाएगी। लोग इस गांव को सिर्फ टेस्ला ब्लेज होने की वजह से ही देखने भी आते हैं।